लालू जी और नीतीश जी को ये बताना चाहिए कि भाई समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, जिनकी वो रहनुमाई की दावा कर रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को उन्होंने अपने दलों में टिकट देकर विधायक बनाया है, जो विधायक जीत कर आए हैं उनमें से कितने लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, और जो लोग मंत्रिमंडल में शामिल हैं उनको कितने, किस तरह के विभाग दिए गए हैं, उनको कितना उनके पास बजट है। हम आपको आंकड़ा बता देते हैं, बिहार सरकार का बजट है 2,50,000 करोड़, 2,46,000 करोड़ पिछले वित्तीय वर्ष में, अभी चालू वित्तीय वर्ष में, 2,46,000 करोड़ में से करीब करीब 60% का जो बजट है वो सिर्फ और 60% बजट वाले विभाग सिर्फ दो व्यक्तियों के पास है, वो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो भाई हकमारी तो आप ही कर रहे हैं, जिन वर्गों को भागीदारी नहीं मिली, तेजस्वी यादव को अपना पथ निर्माण विभाग, नीतीश कुमार को जल संसाधन विभाग, होम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उन वर्गों के नेताओं को, विधायकों को देना चाहिए जो इन वर्गों से आते हैं। नीतीश कुमार क्यों होम गृह मंत्री रहेंगे? गृह मंत्री आप मुसलमान को बनाइए, गृह मंत्री आप यहाँ के समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को बनाइए। तेजस्वी यादव क्यों पथ निर्माण मंत्री रहेंगे? भाई वो समाज का जो दबा कुचला वर्ग है, जिसका वो दावा करते हैं कि उनकी वो आवाज दे रहे हैं, उनको दीजिए, कौन रोक रहा है? अगर तेजस्वी यादव खुद से अल्पसंख्यक कल्याण ले ले, और जो मुस्लिम मंत्री हैं, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, अगर वो गृह मंत्री हो जाएं, तो इसे कौन रोक रहा है? तो दीजिए हक, तुरंत दीजिए। तो ये आपको क्या दिखाता है? ये सर्वे और गन्ना इसलिए नहीं कराया गया है कि उनको उनको हक देना है, ये समाज को बांटकर, अभी एक अंतिम जीवन का चुनाव नीतीश कुमार का बचा हुआ है, वो चुनाव में एक अंतिम दावा, एक अंतिम पासा फेंक कर समाज को बांटकर जीतने, कुछ लाभ उठाने का प्रयास है, लेकिन ये उनको उल्टा पड़ा है। जो राजनीतिक समझ हमारी है, ये सर्वे नीतीश कुमार पर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जो बात मैं आपको बता रहा हूं, जिन वर्गों को भी भागीदारी नहीं मिली, उनको ये दिख गया कि भागीदारी तो ये नीतीश कुमार और लालू ही मार रहे हैं हमारा। जिनकी संख्या आपने बढ़ा दी, वो आदमी कह रहा भी हमको और हक दीजिए, हमारी संख्या के हिसाब से हक हमको नहीं मिल रहा है। जिनकी संख्या आपने घटा दी, वो आप कह रहे हैं कि भैया ये हमारा तो नंबर ही कम कर दिए। तो ये दोनों ओर से इनको राजनीतिक मार पड़ेगी। आप चुनाव आएगा तो आप देखिएगा